Hello people, welcome back to my channel Legal Per Se. I hope you all are doing well. आप सब लोग अच्छे होंगे guys और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि All India Bar Examination 17 में अब कुछ ही दिन बचे रह गए हैं. 5th फेब को एग्जाम है एंड आज है guys 27th जनवरी. तो बहुत कम टाइम बचा है एंड एक सवाल जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा. और ये सवाल इसलिए हम लोगों के मन में आ रहा है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम एक नोटिफिकेशन बीसीआई ने आउट किया था एंड ये बताया था कि इस साल पेपर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है एंड ओएमआर शीट भी हो सकता है. ठीक है, तो इसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं एंड वो पूछ रहे हैं कि क्या है ये मैम, क्या होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे दीजिए. तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूं. ठीक है, तो इस बात को आपको मैं बता देती हूं कि ये पूरी चीज क्या है गाइस. तो लास्ट ईयर ये चीज चल रही थी, टेंडर वेंडर भी पास हुआ था एंड सेंटर्स को भी डिसाइड किया जा रहा था, पर फिर इसके बारे में कोई भी अपडेट बीसीआई ने नहीं दी कि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड भी होगा गाइस. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार AIB 17 पहले की ही तरह ही होगा गाइस, OMR बेस्ड ही होगा. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड वाली कोई भी न्यूज नहीं है. जो पहले जैसे होता था इस बार भी गाइस वही होगा. तो आप लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन को लेके इतना टेंशन मत लीजिए. जैसे पहले होता आया है इस बार भी सेम ही अप्लाई होगा कि आप जाओगे, एक OMR शीट आपको मिलेगी गाइस, आपको उसमें ABCD ऑप्शन दिया रहेगा एंड आपको सर्कल करके उसे फिल करना है जो भी आंसर सही है. ठीक है, ये OMR बेस्ड पेपर हमने पहले भी बहुत दिए हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो गया और भी जितनी चीजें हैं. अगर MCQ बेस्ड होता है एग्जाम तो OMR शीट ही बेस्ड होता है. पर फिर भी अगर कुछ लोगों को OMR शीट कैसे फिल करना है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी. एग्जाम से पहले ही जल्दी मैं कोशिश करूंगी ये वीडियो लाने की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि OMR में क्या क्या गलती नहीं करनी है और उसे कैसे फिल करना है. पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 जो इस बार होगा वो पहली बार की तरह होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो रहा है, OMR ही शीट पे होगा. ठीक है, तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, OMR शीट, नो कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि इस पे बीसीआई ने कुछ नहीं बताया है और फिर ये टेंडर वाली चीजें चल रही थी पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली. मे बी होपफुली इन फ्यूचर कंप्यूटर बेस्ड हो, बट अभी 5th फेब को जो एग्जाम होने वाला है वो हमारा OMR बेस्ड ही होगा. जो भी सेंटर आपने डाला है प्रेफरेंस में उस सेंटर पे आपको जाना है, पेन पेंसिल एंड बुक्स वगैरह जो है बैरक्स वगैरह लेके जानी है और पेपर देना है. ठीक है गाइस, तो यही आप लोगों को बताना था. एंड बेयर एक्ट वाली चीज नोटिफिकेशन आउट हो गया, मैंने बताया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन. कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कौन सी परचेस कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो. अगर आपके पास ऑलरेडी है विथ नोट्स वाले तो कोई इश्यू नहीं है, आप वो भी ले जा सकते हो. बस ध्यान रखिएगा कि ज्यादा नोट्स ना हो. एंड ऑल्सो एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोगों को विथ नोट्स और विदाउट नोट्स समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और इनफैक्ट आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि ये क्या सीन है. अब देखिए गाइस, ये मेरे पास यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट की है. देखिए इसमें आप यही पे देख सकते हो बेयर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स है. तो गाइज इसका ये है ना कि जैसे आप अपना कोई भी पेज खोलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कमेंट्स दिए रहते हैं और नीचे भी कि किस अमेंडमेंट से लिया गया है, किस ईयर पे, ये छोटी छोटी चीजें दी गई होती है गाइज. यही होता है विथ नोट्स वाले. और विदाउट नोट्स वाले में क्या होता है कि सिर्फ सेक्शन दिए रहते हैं या सिर्फ आर्टिकल्स दिए रहते हैं, ये नीचे छोटे छोटे कॉलम बना के कमेंट्स नहीं दिए होते. तो बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है. ठीक है, अब इसलिए आप परेशान मत होइए. अगर आप यूनिवर्सल की ये वाली बेयर एक्ट भी ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए, कोई इश्यू नहीं है गाइज. ठीक है, पर अगर फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो नहीं है तो विदाउट नोट्स वाले परचेस कर लीजिए. मैंने कल की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां से आपको पता चल जाएगी कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में से ये कॉम्बोज चल रहे हैं, वहां से परचेस कर सकते हो. आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR शीट ही है, तो आप इसी को लेके ध्यान में चलते
सोच के चलिए कि यही पेपर आपको देना है, बाकी चीजें एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला है, तो एडमिट कार्ड 30th तक आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, 30th तक करने के बाद 30th से लेके 5 तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि 30th जनवरी को एडमिट कार्ड वाला जो लिंक है वो इन ऑपरेशन आ जाएगा और हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जो ही वो विंडो ओपन होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी और वहां से आप अपना एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे पढ़ाई करते रहिए, 5th फेब आने में ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम देना है, अच्छे से पास होना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड कॉमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।